खबर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां सांस्कृतिक और वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 8 नवंबर को एमबी इंटर कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय जोहार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि ये 3 दिवसीय जोहार महोत्सव 10 नवंबर तक चलेगा, जिसमें पहले दिन पारंपरिक झांकी, दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा शौका संस्कृति पर आधारित क्विज और कविता लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। तो वहीं दूसरे दिन जोहारी शौका व्यंजन प्रतियोगिता, भूसका चांचवे नृत्य और शौका पहनावा और संस्कृति पर आधारित मंच प्रस्तुतियां होंगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जोहार महोत्सव प्रतिवर्ष खास ही रहता है हमारा, और ये महोत्सव जो है हमारी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए है, क्योंकि हम अपनी जो मूल हमारा जन्म स्थल है वहाँ से हम काफ़ी दूर हैं, और आज की जनरेशन जो है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है, बहुत दूर है, उनकी भी अपनी व्यस्तता रहती है। तो उन्हें हम अपने साथ लाने के लिए, अपनी संस्कृति की पहचान के लिए हम ये महोत्सव जो है हमेशा यहाँ पर आयोजित करते हैं। और 2 दिन हम लोगों का जो संस्कृत ये आयोजन था ये होता था, अब ये आयोजन इस वर्ष 3 दिन का होने वाला है, तो ये ज़बरदस्त होगा और बहुत अच्छा होगा आप सब। जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा विगत 15 साल से जोहार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में 8, 9, 10 को जोहार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी हमारी विगत 1 महीने से चल रही है और इसको हम बृहद रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक मुख्य अतिथि की बात है, मुख्य अतिथि के लिए हमारे लोकल विधायक निवर्तमान मेयर साहब और जितने भी हमारे यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, कमिश्नर साहब, DIG, SSP, इनको हमने इन्विटेशन दे रखा है और उनके सुविधा के अनुसार वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। ये जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी का जन्म हुआ है, पहले अपनी संस्कृति वगैरह को बचाने के लिए बनाया गया था। तमाम ये जो हमारे ये महोत्सव है ये गैर सरकारी, किसी प्रकार से किसी सरकार के आर्थिक सहायता हम लोगों को नहीं मिलते, हम आपस में ही अपना मिलजुल के इसका पूरा फायदा उठाते हैं। और रहा जहाँ तक कलाकारों के सवाल, तो लोकल हमारे जितने भी हैं जोहार मुंशहरी के अपने लोगों की जो कलाएं हैं वहाँ प्रदर्शित करते हैं, और उसी को जो है हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी जो है इसे वंचित न रहे, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। आज के युवा जितने भी हैं हमारे, जो हमारी बोली भाषा को अभी अच्छी तरह से नहीं जान पा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में यहाँ पर हम पिछले 14 वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो जो भी हमारी कला और संस्कृति, हमारे गीतों के माध्यम से, हमारे पकवान के माध्यम से, हमारे वेशभूषा के माध्यम से, हम नई जनरेशन को इसका एक हम लोग वो दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं उनको कि आप हमारे बुजुर्ग लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे वो व्यापार करते थे, तो उन्हीं की जानकारी के लिए हम लोग अपने नए लोगों को यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश करें।